नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने प्यारे से डॉग में वॉर्म्स का कैसे पता कर सकते हो, वो भी घर में विदाउट माइक्रोस्कोप। दोस्तों मैंने माइक्रोस्कोप लिया है न्यू चीज़ स्टडी करने के लिए और इसमें बहुत सारा चीज़ मैं सीखूंगा और आपको बताऊंगा भी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना माइक्रोस्कोप का आप लोग घर में वॉर्म्स कैसे देख सकते हो या पता कर सकते हो किसी भी स्ट्रीट डॉग में या फिर अपने डॉग में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक स्ट्रीट डॉग है, बहुत ही प्यारी सी है लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों ये सब केवल एक वॉर्म्स के वजह से हुआ है, अगर मैं कुछ दिन इसको ध्यान ना दूं तो इसके वजह से इसकी जान भी जा सकती है, और वॉर्म्स के वजह से ये बहुत सारे गंदगी भी खाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे घास खाएंगे, हो सकता है कि उसके वजह से इसमें पॉइजनिंग हो जाए और बेचारी की जान चली जाए। ये मेरे घर के आसपास ही रहता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताऊं भी और इसका डिवॉर्मिंग भी कर दूं। ये 6-7 दिन पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन उसके बाद से कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों वॉर्म्स का बहुत सारा इफेक्ट है बॉडी पे, लेकिन हम बात करेंगे कि वॉर्म्स का कैसे पता करें आप लोग अपने डॉग में। वॉर्म्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जनरली जो आपके डॉग में पाए जाते हैं वॉर्म्स, वो वाइप वॉर्म, हुक वॉर्म, टैप वॉर्म और हर्ट वॉर्म। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है टैप वॉर्म और हुक वॉर्म। दोस्तों वैसे तो ये सब आपके पॉटी में एग्स दे सकते हैं, छोटा छोटा इसका बच्चा रहेगा तो वो सब आप देख सकते हो, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये जो वॉर्म्स होते हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ये आपको देखने के लिए पॉटी में मिल जाएंगे। अगर टैप वॉर्म का बात करें, अगर बड़ा होगा तो काफ़ी बड़ा टाइप में, इस टाइप में आपको टैप वॉर्म दिखाई पड़ जाएगा। अगर टैप वॉर्म का बच्चा बात करें तो एकदम खीरे के दाने के जैसा आपके डॉग के पॉटी में दिखाई पड़ जाएगा। ये टैप वॉर्म थोड़े से खतरनाक होते हैं ह्यूमन के लिए भी, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके रखना है, अपने डॉग को सेफ्टी में रखना है। अब दोस्तों जो हुक वॉर्म होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ये हुक वॉर्म भी एकदम छोटा सा होगा तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना होगा, नहीं तो बड़ा हो गया तो आपको जनरली पॉटी में दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कई बार ये जो वॉर्म्स होते हैं आपके घर में, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि डॉग के बॉडी में ये वॉर्म्स होता भी है, क्योंकि आपके डॉग के बॉडी में ये वॉर्म्स होगा लेकिन आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कैसे पता करना है, उसके लिए आपको डायग्नोसिस करना होगा, अपने आप को डॉग को देखना पड़ेगा। अगर आपका डॉग थोड़ा सा सुस्त हो गया है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये सुस्त हो गया है, हल्का सा नर्वस टाइप का हो गया है, इसका अगर हम बात करें बैकबोन सब कुछ एकदम कमज़ोर हो गया है, देख सकते हो कि पूरा बोन निकल गया है, और डॉग काफ़ी पतला हो गया है, जबकि स्ट्रीट डॉग है तो इस एज में काफ़ी ये एक्टिव हेल्दी रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब दूसरा चीज़ मैं बता दूँ, पहला चीज़ तो इसका वेट कम होता चला जाएगा, दूसरा चीज़ ये कि इसका जो आप फर देख रहे हो, फर देखिए कैसा आपको डल डल दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रीट डॉग्स का भी जो फर होता है वो काफ़ी चमकीला होता है, काफ़ी अच्छा होता है जनरली, अगर वो साफ सुथरे जगह पर रह रहा है तो, लेकिन इसका कोट सब कुछ डल दिखाई पड़ रहा है। तीसरे में आपको आँख में भी आपको कीचड़ देखने के लिए मिलेगा, और चौथा ये कि ये वॉमिटिंग करेगा, कचरा खाएगा, ये सब इसका सिम्टम्स हो जाता है। तो ये सब आपको सिम्टम्स देख करके ही पता करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जान करके आप लोग कंफ्यूज रह जाओगे, ये भागने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कई बार आप लोग डिवॉर्मिंग टैबलेट दोगे अपने डॉग को तो पॉटी के साथ वॉर्म्स निकलेंगे, इस टाइप का वॉर्म, हुक वॉर्म या फिर टैप वॉर्म निकलेंगे, और कई बार वॉर्म्स नहीं भी निकलते हैं। तो जो वॉर्म्स होता है ना वो टैबलेट के वजह से पेट में भी डाइजेस्ट हो जाता है, अगर छोटा मोटा है तो कई बार निकलता भी है, कई बार डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसके बाद मेडिसिन देने के बाद आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपके डॉग में दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके डॉग के बॉडी से वॉर्म्स निकल गया है तो उसके बाद आपको मेडिसिन का कोर्स चलाना होगा, जैसे कि वैक्सीन का कोर्स चलता है ना, पहला बूस्टर, दूसरा बूस्टर, तो इस टाइप से डिवॉर्मिंग का भी कोर्स होता है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा बूस्टर। ये चीज़ जनरली लोगों को नहीं पता है, और इस चीज़ के लिए मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, कई सारे वीडियोस में भी मैंने बतलाया है, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बतलाएगा। तो आपको डिवॉर्मिंग का भी बूस्टर देना पड़ेगा अगर आपके डॉग में वॉर्म्स निकल गया है तो फिर आपको सही शेड्यूल जानने के लिए
आप लोग अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप लोग डायरेक्टली लिंक से डॉक्टर को बुक कर सकते हो, डॉक्टर कल्पना मैम, डॉक्टर मिश्रा सर और भी बहुत सारे डॉक्टर होंगे। अब दोस्तों एक मैंने कोर्स बनाया हुआ फ्री का कि आप लोग अपने डॉग को हेल्दी कैसे बना सकते हो, अगर आपको वो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग अपने डॉग को हेल्दी कैसे बना सकते हो। तो चलिए मैं इसको डिवॉर्मिंग टैबलेट खिलाता हूँ और आपको दिखाऊंगा। मैंने ये ग्लव्स इसलिए पहन लिया है क्योंकि ये स्ट्रीट पे रहते हैं और सरा गला हुआ चीज़ भी खा लेते हैं, मरा हुआ चीज़ भी खा लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो इसके वजह से मैंने सेफ्टी लिया है। तो दोस्तों जो डिवॉर्मिंग का टैबलेट होता है डॉग के एज के अकॉर्डिंग और उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ के, या फिर एक टैबलेट 10 kg बॉडी वेट पे दिया जाता है, तो आपका डॉग 5 kg का है तो हाफ, और उससे कम का है तो उसका हाफ अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, अगर आपको वो सब जानना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में सब्सक्राइब मिलेगा, और फेसबुक पे देख रहे हो तो ऐसा ही फॉलो बटन मिलेगा जो कि आपको देखने के लिए फ्री होगा। तो सब्सक्राइब और फॉलो करने के बाद आपको हमारी सारी वीडियोस फ्री में मिलेंगी। और दोस्तों मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि माइक्रोस्कोप में कैसे देखना है वर्म्स को, तो वो सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।